आज फ्रैंकलिन शिनचैन को ये वाली केला गाड़ी गिफ्ट करने वाला है। बट गाइस, वैसी केला गाड़ी GTFI में तो क्या किसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती फ्रैंकलिन उसे बनाना जानता है, तो फ्रैंकलिन खुद से ही वो खूबसूरत सी केला बाइक या केला कार या केला गाड़ी जो भी कह लो वो डिजाइन करके खुद उसे शिनचैन को गिफ्ट देने वाला है। तो इसके लिए यार फ्रैंकलिन को सबसे पहले किसी के खेत में जाकर केले चुराने होंगे। बट फ्रैंकलिन को ये सारी आइडिया आती कहाँ से? फ्रैंकलिन को ना ये आइडिया खुद से नहीं आई, फ्रैंकलिन के पास इतना दिमाग कहाँ? बेसिकली अगर आपको इसके पीछे की कहानी जानना है तो आपको जाना होगा 2 दिन पहले। फ्रैंकलिन अपने फॉर्च्यूनर से जंगल के रास्ते घूमने आया हुआ होता है एंड तभी उसे आगे एक ट्रक पलटा हुआ मिलता है जिसमें से केले गिरे हुए होते हैं। फ्रैंकलिन मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ के सारे केले लपक लेता है भाई और अपने फॉर्च्यूनर में पूरे भर लेता है। यार इस तरीके से ना फ्रैंकलिन के पास बहुत सारे केले आ जाते हैं। बट फिर फ्रैंकलिन सोचता है कि उन केलों का क्या ही करा जाए क्योंकि उतने सारे केले तो फ्रैंकलिन अकेले खा नहीं सकता। और फ्रैंकलिन ठहरा कार का मैकेनिक, तो उसको ना मस्त मस्त कार के साथ मॉडिफिकेशंस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर केले में भी फ्रैंकलिन को ना गाड़ी दिखने लग गई। तो फिर फ्रैंकलिन ने सोचा कि क्यों ना केला गाड़ी बनाया जाए, ये फॉर्च्यूनर इतनी बॉडी रोल क्यों करती है यार, हे भगवान। तो फिर वो फ्रैंकलिन उन ढेर सारे केलों के साथ काम करना स्टार्ट करता है एंड कुछ दिनों के मेहनत के बाद आज का वो दिन आ जाता है जिस दिन फ्रैंकलिन जो है वो शिनचैन को मस्त प्यारी सी खूबसूरत सी बनाना कार गिफ्ट देने वाला है। तो चलते अभी वो बनाना कार को गिफ्ट करने के लिए शिनचैन के पास। तो शिनचैन का घर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो चलो सबसे पहले शिनचैन के घर पे चलते हैं। एंड मैं एक चीज बता दूं कि वो जो शिनचैन जिस घर में रहता है भाई बहुत ज्यादा रईस बंगलों में रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रईस बंदा है शिनचैन। तो फटाफट से फुल स्पीड में ले जाते हैं शिनचैन के घर पे। बाय द वे मेरे ड्राइविंग स्किल्स को कितने में से कितने स्टार सब देना चाहूंगे, क्योंकि मैं फुल स्पीड में देखो अभी मैं कितने स्पीड में लेकर चलता हूँ यहाँ से, फिर भी मैं कहीं पे नहीं ठोकूंगा, देखना गाइस। ये देखो ये फॉर्च्यूनर को मैंने, ये फोर्डी को स्पोर्ट, ये भी फॉर्च्यूनर। और अबे ये अभी सिग्नल पे रुके तो एक एक चांस तो देना बनता है। रुको अभी ये एक तो यार मैं सिटी में आकर ये अपन खुद के ऊपर चैलेंज ले लिया। ये बस भाई वैसे गलती मेरी है, मैं ही सिग्नल पे नहीं रुका, यहाँ से मोड़ना पड़ेगा अपने को। चलो यहाँ से चलते हैं। और मैं रॉन्ग साइड क्यों चला रहा हूँ भाई साहब, अरे रे 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 बच गए। चलो अभी अपना अपन साइड लेते हैं भाई, इतना दूर क्यों रहता है यार शिनचैन, इतना ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए उसे। बाय द वे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारा काम करने जा रहे हैं, अपने शिनचैन को गिफ्ट करने जा रहे हैं। बाय द वे आज से पहले शिनचैन हमारे एपिसोड्स में नहीं आया था, आज फर्स्ट टाइम फ्रैंकलिन का एक नया फ्रेंड आपके सामने इंट्रोड्यूस होने जा रहा है क्योंकि मैंने देखा है शिनचैन बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिलाता है। देखो बातों ही बातों में मैं कैसी ड्राइविंग कर रहा हूँ, और जैसे ही ऐसे बोलने गया मैंने ठोक दिया। वैसे ये वाले रास्ते पे तो भाई एकदम फुल ऑन ट्रैफिक रहती है। ओह क्या ही कंट्रोलिंग थी मेरी। देखो यार कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, ये ट्रक वाला किधर घुसा रहा है भाई, तेरे को दिख नहीं रखा पीछे से अपनी गाड़ी आ रही है। वैसे अभी पास में ही है यहाँ से शिनचैन जी का घर, मैंने फ़ोन करके उसे बता दिया था ताकि वो घर पे रहे, वरना वो तो वेला है भाई, वो पूरे शहर भर ऐसे है वैसे डोलता रहता है। और उसके पास ना काफ़ी सारे मैजिकल कार्स भी है, तो मैं उनका कलेक्शन आपको बाद में कभी दिखाऊंगा। बट आज हम लोग एक और उसके कलेक्शन में कार ऐड करने जा रहे हैं, मैजिकल तो नहीं है लेकिन वो केला कार ज़रूर है। एक तो हंसी भी आ रही है यार ऐसे अजीब अजीब गिफ्ट्स देकर, बट ये मेरे को इंस्पिरेशन इसकी मिथपैट जी से मिली। जैसे मिथपैट ने सौरव जोशी को पोपट वाला अवार्ड दिया, तो मैं शिनचैन को केला अवार्ड देना चाहता हूँ। आप नोटिस कर रहे हो ना मेरी ड्राइविंग को कितनी ज़्यादा स्मूथ है। तो चलो मेरे को कुछ चीज़ याद आ गई थी इसलिए मैंने रोका था। हाँ यही है भैया अपना शिनचैन जी का घर। तो लेट्स गो गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बंगला है जैसे मैंने कहा था। गेट खुल जा, ओके देखो ऑटोमेटिक गेट है बंदे के घर पे। और इनका घर के पहले इतना बड़ा रोड आ जाता है कि आधा लीटर पेट्रोल तो वैसे ही वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये अभी शिनचैन का है यार, शिनचैन जी हेलो। अरे ये रहे शिनचैन जी, अरे अरे नहीं ठोकते भाई डरो मत। वेलकम फ्रैंकलिन भैया, वेलकम। तुम्हारा कैसे आना हुआ, बहुत दिनों बाद आया। अरे यार शिनचैन तू मेरे को बातों में मत उलझा, तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तू चल मेरे साथ। अरे अरे फ्रैंकलिन भैया कौन सा सरप्राइज भैया, तू चल ना यार मेरे साथ, तेरे को सब पता चल जाएगा, आजा बैठ जा। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर अपना ये जो शिनचैन है वो तो बैठ चुका है
अभी इसका सरप्राइज की बारी। भाई बहुत ज्यादा खुश होगा बंदा सरप्राइज को देखकर। मैंने ना सरप्राइज बेसिकली शिनचान को बीच पर दिया है क्योंकि शिनचान को बीच काफी ज्यादा पसंद है। तो लेट्स गो बीच पर चलते हैं। बीच पर अपनी केला बाइक अपना इंतजार कर रही होगी। बूम। अरे फ्रैंकलिन भैया इतने जोर से मत चलाओ भैया। अरे भैया। अरे डरपोक शिनचान। तो गाइस इनकी नोक झोंक तो यूं ही चलते रहेगी। हम लोग फटाफट से चलते हैं बीच पे। लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके बीच पे और ये देखो ये अपनी केला बाइक। इस पे चढ़े कैसे भाई? ये समंदर से नीचे आएगा तभी। वो चढ़ लिए चढ़ लिए चढ़ लिए। फाइनली हमने अपने यहाँ पर पार्किंग कर दी है और ये रही अपनी केला बाइक। अरे शिनचान उतर जा भाई। जी थैंक यू भैया। वाह ये केला बाइक तो बहुत ही बढ़िया है भैया। क्या मैं इसको चला लूँ भैया? अबे हाँ शिनचान तेरे लिए ही तो है। ठीक है भैया मैं चला लूंगा पर आप भी बैठिएगा। नहीं नहीं मैं इस नोक पे बैठता हूँ भैया आप चला लो। ठीक है भाई ये भी सही है। तो गाइस यहाँ पर शिनचान जो है इस केले के बाइक के नोक पर बैठने वाला और फ्रैंकलिन उसको चलाने वाला है। भाई बहुत ज्यादा फनी लगने वाला है ये सीन। लेट्स गो इनको बैठने देते। तो लेट्स गो गाइस अभी फ्रैंकलिन इस केला बाइक को चलाएगा और शिनचान तो वहाँ पे पहले ही नोक पे बैठ चुका है। और यार गाइस ये लोग कहा इस पे बैठ तो गए लेकिन यार ये केला की गाड़ी ये प्लेटफॉर्म पे रखी है और ये कितनी ज्यादा हिल रही है भाई। बट अभी खैर कोई बात नहीं हम लोग इस गड्डी को चलाते हैं। लेट्स गो। अरे शिनचान को ज्यादा ही मस्ती खोर नहीं है। लाइक यहाँ पर इतनी सारी जगह थी फ्रैंकलिन जी के बम के पास कि नहीं ये इनको अपने पिछवाड़े पे इनका सुवा केले का सुवा गाड़ना है। बड़ा ही मस्ती खोर है यार ये शिनचान। लेट्स गो गाइस यहाँ पर ये बनाना गाड़ी खतरनाक भाई। यहाँ से मारे हमने जंप इस बनाना गड्डी के और इसके गेड़िया मारेंगे मजे करेंगे इस बंदे को ठोकेंगे। क्या पानी में से अपनी केला गाड़ी चल पाएगी? अरे रे 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 कहीं गिर ना जाए। रुको इसके सिनेमैटिक शॉट्स लिए जाए। वैसे अभी चलो चलते हैं सीधा किसके घर पे? शिनचान जी के ही घर पे। उनका घर काफी ज्यादा सुंदर है और उनके ही घर पे तो अभी ये बाइक रखना पड़ेगा। तो जाते जाते ड्रोन उड़ाते हैं और इस गाड़ी के मस्त सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट गाइज इस वाले वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में भाई इतनी अच्छी गाड़ी बनाने के लिए हैशटैग केला गाड़ी कमेंट सेक्शन में भर डालो। और यार तुम लोग मेरे वीडियोस तो देख रहे हो बट मेरे को पता ही नहीं चल रहा कौन मेरे वीडियोस देख रहा है। तो प्लीज ना मतलब अपने बारे में थोड़ा बहुत मेरे को बता देना अपना नाम वगैरह या फिर जो भी आप बताना चाहते हो हाय हेलो ही कर दो भाई थोड़ा सा। तो कमेंट सेक्शन में वो सारी चीजें प्लीज कर देना ताकि आपको और मेरा अच्छे से कनेक्शन हो सके। मैं बात करूंगा आपसे मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके टाटा बाय बाय पीस आउट।